अभी तक हमने वर्डप्रेस की डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर किया है, स्पेशली फॉर्म्स. फॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं? फॉर्म्स इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज यू वांट पीपल टू इंटरेक्ट विद यू एंड यू वांट टू कैप्चर डेटा ऑफ द पीपल जो आपकी साइट पे आ रहे हैं. या तो आप उनका डेटा कैप्चर करना चाह रहे हैं या साथ ही साथ आप उनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं कि आपसे किसी ना किसी तरह से कॉन्टैक्ट करें. That's why we have a plugin called Contact Form 7, जो हमने अभी आपको try करवाया. साथ ही साथ there are other plugins that we made you try. Plugins like WP Migration. क्या है WP Migration? As you tried it, it's a plugin that you can use to migrate content from one hosting to another hosting. या from one WordPress website to another WordPress website. इसी तरह के different plugins हमने आपको ट्राई करवाएं. एंड व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस, इट्स अ सी ऑफ प्लगइन्स, इट्स अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव. ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम मी जिसने वर्डप्रेस पे 13 से 14 साल अपने करियर के लगाए कि दिस सी विल नेवर एंड. वर्डप्रेस हैज एन ओशन ऑफ प्लगइन्स, डिफरेंट तरह के प्लगइन्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. कुछ उनमें से फ्री हैं बट कुछ उनमें से पेड है. एंड डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ योर वेबसाइट, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ योर क्लाइंट्स वेबसाइट, यू कैन क्रिएट मैजिक विद वर्डप्रेस. एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन यू कि आप कैसे वो मैजिक क्रिएट करेंगे, कैसे वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे जिससे आप पैसे बना सकते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वर्डप्रेस is an opportunity to create money. You can create money as a freelancer. Aap freelancing website pe jaake apni WordPress ki services ko bech sakte hain. Yeah, you can create money as an entrepreneur. You can launch your own e-commerce website and you can make money. Yeah, agar aap smart ho to aap WordPress se paise bana sakte hain as a smart worker as well. But in this topic we want to discuss responsiveness. And we want to discuss responsive shortcodes. What is responsive? ये लफ्ज आपको बहुत सुनने को मिलेगा ऑनलाइन कि क्या ये साइट responsive है कि नहीं है. What is responsiveness? So responsiveness is how your site reacts basically on the different resolutions your different devices. तो अगर आपकी साइट को आप मोबाइल पे देखें तो क्या उसका कंटेंट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ या नहीं. तो रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली मीन्स कि हाउ योर वेबसाइट लुक्स ऑन अ डेस्कटॉप, हाउ योर वेबसाइट लुक्स ऑन अ टैबलेट एंड हाउ डज इट लुक ऑन अ मोबाइल. एंड यूजुअली थैंक्स टू गुटेनबर्ग मोस्टली ऑल वर्डप्रेस वेबसाइट्स आर रिस्पॉन्सिव नाउ. एंड यूजुअली डिपेंड्स ऑन थीम but all WordPress websites now have a responsive theme and it would be very rare to find a theme which is not responsive. In fact, aap koi bhi plugin use karte hain, beshak wo builder plugin ho ya koi bhi theme use karte hain, all of them have the responsiveness built in to your theme and to your website. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या करना है, हमने वो रिस्पॉन्सिव शॉर्ट कोड्स एक्सप्लोर करने हैं, ऐसे शॉर्ट कोड्स विच विल अलाउ अस टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट. सो वी विल सी व्हाट आर दोज शॉर्ट कोड्स, वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिव शॉर्ट कोड्स देयर आर आउट देयर. हम इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको मोबाइल तो नहीं दिखा सकेंगे लेकिन अगर हम आपको थोड़ा सा इसका एक लाइव डेमो दें उससे आप देख सकेंगे कि रिस्पॉन्सिव शॉर्ट कोड्स बेसिकली क्या होते हैं, कैसे होते हैं एंड हाउ दे कैन हेल्प यू क्रिएट अ वेबसाइट विच इज़ नॉट ओनली गुड ऑन डेस्कटॉप, विच इज़ नॉट ओनली गुड ऑन टैबलेट बट विच इज़ आल्सो गुड ऑन मोबाइल. सो लेट्स गो लाइव एंड ट्राई आउट सम ऑफ द रिस्पॉन्सिव
short codes which you can use to create responsive elements on your website. It could be in form of forms, it could be in form of pricing tables, it could be in form of images, it could be in form of galleries, it could be in different forms. So ye jo different responsive elements hain, ye hum try karenge, ye dekhenge ki kaise aap apni WordPress website mein dal sakte hain, and based on that we will see ke how you can improve the look of your WordPress website for people who are viewing it on mobile. So now let's try it out. So if I were you, I would go to Google and I would write responsive test. So responsive test will help you find those websites jo ki aapko apni website ki responsiveness mein help kar sakti hain. So yahan pe aap dekh rahe hain, there is responsivedesignchecker.com and there is responsive nature, responsive design. So hum kya karte hain, hum inko test karte hain, but before we do that we are going to check out a site which can help you learn skills, skillsfirst.org. main aapko ye site isliye dikha raha hu taaki agar aapne responsiveness ko test karna hai to aap dekh sakte hain ki ye site responsiveness mein kaisi lagti hai. So ye site bhi WordPress pe bani hui hai aur aap dekh rahe hain ki ye site desktop pe it looks in a certain way, but how would this website look if we were to test the responsiveness of this website? So we'll go back to the other tab and we'll click on responsivedesignchecker.com and we'll click the URL and enter here and we'll click on go. Aur aap dekh rahe hain ki wo site ki ek mujhe live responsiveness dikha raha hai ye tool. So left pe desktop selected hai, so this is how the site looks on desktop. But how would the site look if I were to view it on tablet? Agar main tablet pe view karun aur mere paas tablet ho, Apple iPad Pro, so this is how the site would look. So aap dekh rahe hain ki kis tarah thodi si site change hui hai. But how would this look on a mobile is the bigger question. So let's say I have the latest iPhone 7. So this is how the site would change and look on a mobile. So aap dekh sakte hain ki kaise site ne live responsiveness show ki. So you can see the difference. Pehle jab tablet pe thi to it used to look like this, desktop pe it used to look like bigger, and then suddenly jab aap gaye ek mobile pe to site responsive hogi and it looks a little bit different now. So this is what you actually mean by the responsiveness of a particular website. Aur isi responsiveness ko hum test karenge with saad.com ko login karke, aur uske andar aise short codes ko dhoond ke jo ke is site ko responsive karte hain. We'll go and try to find plugins, look for responsive short codes, and we'll try to see ke hame kaun se aise short code plugin milte hain jo ki actually responsive hain. Again, so different tarah ke aapko mil rahe hain, portfolio responsive hai, slider aapke paas responsive hai, aapke paas buttons ka ek hai, meta slider hai, responsive photo gallery hai, but my favorite plugin is short codes ultimate. It's a very comprehensive set of short codes that you can create to add responsive elements to your website. So we'll click on activate. So humne bhi install kiya short codes plugin, and then we'll go to a page and edit the page to add those short codes. So aap dekhenge maine page edit pe click kiya, contact form mein nikal dunga. I'll try to insert a short code and I'll try to look for a responsive column. कॉलम का जर्नल कंटेंट है, आई कैन क्लिक ऑन अपडेट, एंड ये जर्नल कंटेंट आपको साइट में नजर आएगा कॉलम कंटेंट के नाम से. ऑब्वियसली यू विल हैव टू ऐड मोर कंटेंट टू शो इट कि कैसे आप डिफरेंट कॉलम्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड देन गो बैक टू रिस्पॉन्सिव चेकर टू टेस्ट इट आउट. तो ये एक तरीका था जिससे आप रिस्पॉन्सिव शॉर्ट कोड्स को अपनी साइट पर ऐड कर सकते हैं टू मेक योर कॉन्टेंट लुक ब्यूटिफुल ऑन मोबाइल डिवाइसेज, बिकॉज मोबाइल इज द फ्यूचर.
मोबाइल्स आर एवरीवेयर, हर कोई मोबाइल पे कंटेंट एक्सेस करता है, इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव शॉर्ट कोड्स को अपनी वेबसाइट में डाल के कॉन्टेंट को मोबाइल पे ब्यूटिफुल बना सकते हैं।